170,000 रुपये एडमिशन चार्ज एवन, पहला साल का बता रहे हैं, 170,000 रुपये एडमिशन चार्ज, 20,000 रुपये एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म का, उसके बाद हो गया 120,000 रुपये हॉस्टल चार्ज जो रहने खाने का है। टोटल कितना है? टोटल इसमें बताया है लमसम में खाने पीने से लेकर के और पढ़ाई तक कम से कम 13-14 लाख रुपया खर्चा पड़ जाएगा। फाइनली दोस्तों हम लोग GL बजाज बीटेक कॉलेज आ गए हैं, यहाँ ग्रेटर नोएडा में पड़ता है, और यहाँ आए हैं कॉलेज में बात करते हैं एडमिशन के सिलसिला में, क्योंकि मेरा भांजा को बीटेक में एडमिशन करवाना है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं ग्रेटर नोएडा GL बजाज बीटेक कॉलेज, और चलते हैं अंदर और बातचीत करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली हम कॉलेज में प्रवेश कर चुके हैं और देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को मनोज मधुनी बोल रहा हूं, स्वागत है। दोस्तों आप लोग पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, बता दें कि चलिए हम है कहां पे। दोस्तों यहां GL बजाज जो है ना इंस्टीट्यूट कॉलेज है, जो कि बीटेक के यहां पढ़ाई होते हैं, यहां आए हैं बात करने के लिए एडमिशन के सिलसिला में, जो कि मेरा भांजा को इसमें एडमिशन करवाना है, इसीलिए हम आए हैं बात करने के लिए। बता दें कि ये कॉलेज कहाँ पड़ता है, ये कॉलेज पड़ता है दिल्ली से सटे, ये कॉलेज पड़ता है ग्रेटर नोएडा में, जो कि मेट्रो स्टेशन नॉलेज पार्क टू मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर है ये GL बजाज कॉलेज। तो यहाँ पर हम आए थे एडमिशन के सिलसिला बातचीत करने के लिए, और आप लोगों को यहाँ का दृश्य भी दिखा देते हैं। यहाँ बताया गया कि 2023 का जो चार्जेबल है वो बताया गया, 2024 का भी कुछ नहीं बताया कि किस तरह का इसका चार्जेबल है। 170,000 रुपये एडमिशन चार्जेबल, पहला साल का बता रहे हैं, 170,000 रुपये एडमिशन चार्ज, 20,000 रुपये एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म का, उसके बाद हो गया 120,000 रुपये हॉस्टल चार्ज जो रहने खाने का है। तो टोटल कैलकुलेशन कर लीजिए, 170,000 और 120,000 और 20,000, टोटल कैलकुलेशन करके हो गया 310,000, यानी कि पहला साल का बजट जो है ना स्टूडेंट को 310,000 रुपये खर्चा पड़ना पड़ता है। उसमें भी एडमिशन का क्राइटेरिया है, पहले बता दीजिए कि टोटल कितना। टोटल इसमें बताया है लमसम में खाने पीने से लेकर के और पढ़ाई तक कम से कम 13-14 लाख रुपया खर्चा पड़ जाएगा, ठीक है, टोटल 13-14 लाख खर्चा पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बता दें इसमें एडमिशन का क्राइटेरिया है, अगर आप JEE करके आते हैं तो डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, आपको जो है ना इसमें नंबर वगैरह को उतना पूछताछ नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना JEE एग्जाम ले लेता है, तो जो स्टूडेंट टैलेंट रहता है उन्हीं को होता है JEE में पास। अगर जो स्टूडेंट आता है डायरेक्ट एडमिशन कराने के लिए, तो जैसे मेरा भांजा है बीटेक करेगा, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, तो उन्होंने बोला है कि PCS 90% होना चाहिए, PCS यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 90-95% जो स्टूडेंट का हो उसका जो है ना इसमें एडमिशन होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जोड़ करके 90-95% अगर स्टूडेंट का है तो उसको हाई लेवल पर जो है ना एडमिशन होता है। इसमें भी जैसे कि होता है कंप्यूटर में लोग कोर्स करते हैं बहुत सारे गांव में या कहीं भी इंस्टीट्यूट में, तो DC अलग होते हैं, ADC अलग होते हैं, बहुत सारे अलग होते हैं, इससे भी है ना इसमें कंप्यूटर साइंस में इसमें भी बहुत सारे कोर्स होते हैं, तो 90-95% होता है ना तो थोड़ा हाई लेवल पर उसका जो है ना एडमिशन होता है, वो ए ग्रेड, ठीक है। ऐसे भी कोर्स बहुत सारे हैं, हो जाएगा एडमिशन, लेकिन दूसरा डाउन लेवल पर होता है एडमिशन। और बता दें कि ये कॉलेज जो है ना पूरे दिल्ली में, पूरे UP में, पूरे गुड़गांव में सबसे नंबर 1 पे ये कॉलेज है, GL बजाज इंस्टीट्यूट कॉलेज, ठीक है, ये कॉलेज पड़ता है ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। और अगर आप लोग कहीं बिहार से देख रहे हैं या UP से देख रहे हैं या कहीं से देख रहे हैं, तो आप लोग अगर आना चाहते हैं इस कॉलेज पर, बातचीत करना चाहते हैं, तो आप लोगों का एक हम जो है आने का मार्ग बता देते हैं। आप लोग दिल्ली आइएगा, अगर दिल्ली से आते हैं, हम लोग दिल्ली से आए हैं, हम लोग जो है ना राजधानी पार्क से आए हैं, तो राजधानी पार्क से आए हैं, डायरेक्ट आए हैं राजीव चौक,
राजीव चौक से डायरेक्ट मेट्रो पकड़े हैं नोएडा वाला, ठीक है, नोएडा सिटी वाला। नोएडा सिटी के बाद जो है ना, नोएडा सिटी से पहले ही सेक्टर 52 सेक्टर 52 पे उतरना है। वहाँ उतरने के बाद नीचे आकर के यू टर्न ले करके जो है ना, फिर नोएडा सेक्टर 51, ठीक है, स्टेशन पाना है। वहाँ से फिर मेट्रो पकड़ना है, फिर यहाँ आना है, उतरना है नॉलेज पार्क 2 के पास। फिर वहाँ से फिर नीचे आ कर के फिर यहाँ से ऑटो लेती है, ऑटो 20 रुपया लेते हैं। तो वहाँ से फिर आपको कॉलेज पर कोई छोड़ दे, किसी को कोई भी ऑटो वाले के बोलेगा बजाज GL इंस्टीट्यूट कॉलेज के पास जाना है, कोई भी यहाँ ला करके छोड़ देता है। तो चलिए, आप लोगों को जो है ना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो काफ़ी शेयर कीजिएगा, और आप लोगों को कॉलेज का दृश्य बता देते हैं। अगर आप भी लोग आना चाहते हैं कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं सॉरी आप ही लोग आना चाहते हैं कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग पूरा एड्रेस बता दिए और कितना क्या चार्ज वाला बता दिए हैं, आप भी लोग घर बैठे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये सबसे नंबर 1 कॉलेज है UP बिहार दिल्ली गुड़गांव का, और लमसम में पूरी चार्ज कम से कम 13-14 लाख जो है ना जेनुअन पड़ जाएगा। पहला साल का 3,10,000 पड़ जाता है। ये 1,20,000 जो हॉस्टल चार्ज बताए हैं ये एक ही साल का है, 4 साल का जोड़ लीजिए, 1 साल का हुआ 1,20,000, 4 साल का 4,80,000 रुपया सिर्फ रहने खाने का हॉस्टल चार्ज बता। 1,20,000 हॉस्टल चार्ज, 1,17,000 एडमिशन चार्ज, 20,000 रुपये यूनिफॉर्म, यानी कि 3,10,000 रुपये जो है ना जिस वक्त आपको एडमिशन होगा उसी वक्त लग जाएगा, और जो अमाउंट बचता है वो जैसे कि 4 साल का कोर्स है आप उसमें इंस्टॉलमेंट बना लीजिए और इंस्टॉलमेंट के माध्यम से आप कॉलेज को जमा कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर जो बिहार से हैं उनको लिए थोड़ा सुविधा है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनवा लें, और यहाँ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का भी सुविधा है, यहाँ पे बात किए हैं जो कि उसी के माध्यम से कॉलेज का पेमेंट हो जाता है, जो कि बिहार सरकार जो है ना स्टूडेंट को पढ़ने के लिए दे रहा है, बिहार सरकार दे रहा है एजुकेशन लोन। तो जो स्टूडेंट अगर पढ़ते हैं यहाँ पे तो बिहार के हैं तो क्रेडिट कार्ड जो है ना लाते हैं यहाँ पे, और उस हिसाब से जो है पेमेंट करते हैं उनको, बता दिए सब कुछ जानकारी। आप चलते हैं, जय श्री राम। तो फिर हम चलते हैं। एक्चुअली में जो है ना यहाँ पर कैमरा अलाउ ही नहीं था, लेकिन वीडियो बना लिए बैठ करके हम, और देखिए यही एक कॉलेज, बहुत बड़ा कॉलेज है। अपने जगह पे दिल्ली राजधानी पार्क, नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन। देखिए यहाँ कितना यहाँ पर सेफ्टी बढ़ता गया है, सेफ्टी के लिए जो है ना बैरिकेड लगाया है ग्लास का। शारदा विश्वविद्यालय नॉलेज पार्क। तो फिर चलते हैं अब दिल्ली के लिए, नागलोई राजधानी पार्क के लिए,
और फिर कल जाएंगे गुड़गांव। आज यहाँ आए थे कॉलेज के काम से, कॉलेज के काम हो गया और फिर हम जा रहे हैं।